ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਓ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਖਿਝ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? बहुत ही दुख लगा मुझे पढ़कर न्यूज़पेपर में कि ऐसी घटना घटी है हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे नौजवानों की क्या क्या समस्याएं हैं ये पढ़कर बहुत दुख लगता है क्योंकि नौजवान ही हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। ये पढ़ के देखो बहुत सारे विचार मेरे मन में आए और वो ये है कि मुझे लगता है कि हमारे नौजवान पीयर प्रेशर में बहुत हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आजकल जो है ये वीडियोस बनाना अपनी और इनको अपलोड करना सोशल मीडिया पे ये इतना ज़्यादा कॉमन है, लोग सोचते नहीं हैं कि हम कौन सी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। हम देखो सोशल मीडिया ते जो है या जिन्होंने असं कहने के जिन्हें भी ऐप्स है सारे है ना ये तो सही तरीके वरते जाते हैं तो यह बहुत वधिया प्लेटफॉर्म हैगा। लेकिन हुण असी की कर रहे हैं असी जिहड़ा ये सोशल मीडिया हैगा ना इहदा एक दलदल बना रहे हैं इदां दीआं जिहड़ीआं घटनावां ये दलदल बना रहीआं ने इहदे विच यूथ जिहड़ा आ जे वह फस जाएगा तो वह ग्रो नहीं कर सकता वह अगे नहीं जा सकता असी जिनी मर्जी कोशिश कर लीए। सो ये जिहड़े साडी यूथ आ उहनूं समझना चाहीदा आ कि असी इह सोशल मीडिया नूं किद्दां जिम्मेदारी दे नाल यूज़ करना है जिम्मेदारी दे नाल इहदी वरतों करनी है। देसी झरोखा दे समूह दर्शक साहबान जीओ अज असी बहुत ही वधिया एक कमाल दा प्रोग्राम तुहाडे नाल सांझा करन जा रहे हैं। देसी झरोखा वल्लों मानसिक सेहत ते समाज बारे लगातार असी वख-वख माहिरां दे नाल गलबात करके उन्हां नाल इंटरव्यू करके पंजाब दे लोकां नूं एक नवा सुनेहा देन जा रहे हैं एक नवी चेतना पैदा उन्हां विच करन जा रहे हैं जिस दे वजों अज साडे विच दो मेहमान बहुत ही विद्वान साडे विच मौजूद हन शामिल हन जिन्हां विच एक डॉक्टर पलवी जो साइकोलॉजिस्ट हन और NIT जलंधर दे विच बहुत ही खूबसूरत भूमिका निभा रहे हैं ते मेरे नाल हन डॉक्टर अमर जी। डॉक्टर अमर जी का भी समाज दे विच बहुत वड्डा योगदान है कि लोकां नूं असी किवें ज्यों जोगा बनाईए किस तरह आपां जिंदगी दे विच रंग भरीए। जदों असी अज दा विशा तुहाडे नाल सांझा करन लगे हाँ तां कहा जा सकदा है कि मानसिक समस्यावां बारे लोकां नूं सुचेत करना बहुत वड्डी लोड़ है। मानसिक समस्यावां तों साडे लोक बहुते सुचेत नहीं है साडे समझ नहीं रखते मनोविज्ञान का जिहड़ा ज्ञान है वह बहुत घट है साडे लोकां दे विच पर अज साडे विच मानसिक समस्यावां नूं लैके उहदे उपर जो गलबात शुरू करन लगे हां असीं डॉक्टर पलवी जी नाल डॉक्टर अमर जी दे नाल कहा जा सकदा है कि मानसिक समझ तो बिना कोई समझ नहीं हो सकती साडे मन दीआं परतां नूं फरोलन वास्ते साडे कोल माहिर मौजूद हन। मैं डॉक्टर पलवी जी का स्वागत करदिआं उन्हां नूं पुछना चाहांगा कि डॉक्टर पलवी जी मानसिक सेहत की हुंदी है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मानसिक सेहत है मानसिक तंदुरुस्ती है मानसिक जिसको हम स्वास्थ्य कहते हैं मेंटल वेलबींग ये बहुत ज़रूरी है बहुत आवश्यक है बहुत ही ज़रूरी और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आई थिंक ज़्यादा जो सोसाइटी का जो रुख है वो है फिज़िकल हेल्थ के ऊपर है क्या खाना चाहिए जिम जाना चाहिए अपना फिज़िकल हेल्थ के बारे में ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं लेकिन हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या फील कर रहे हैं हम कैसा महसूस कर रहे हैं ये दोनों चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है इक्वली ज़रूरी है। तो अगर हम इसको नटशेल में लेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य है कि हम अंदर से बैलेंस्ड फील कर रहे हैं ऑफ कोर्स फिज़िकल हेल्थ लेकिन साथ में
हमारा जो मन है वो भी अच्छा महसूस कर रहा है, जो विचार आ रहे हैं माइंड में वो भी अच्छे विचार आ रहे हैं, कोई नकारात्मक या नेगेटिव विचार दिमाग में नहीं आ रहे हैं। रात को हमें नींद आ रही है, हमें अंदर डर, गिल्ट, गिल्ट यानी जैसे अंदर से ना ऐसा लगना जैसे हमने कुछ गलती करी है, या हम दूसरों की गलतियां निकालें कि उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी या मेरे टीचर्स ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी, जो हम जो बच्चों के माइंड में ये सब नेगेटिव बातें चलती हैं, या आम तौर पे हम बड़े भी कभी कभी दूसरों को दोष देते हैं अपनी ज़िंदगी के समस्याओं के लिए। तो ये चीज़ें जो है ये मानसिक वेलबींग को और स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती है। तो मैं ये कहूँगी कि मानसिक जो एक हम कहते हैं कि एक परफेक्ट स्थिति है, मानसिक कंडीशन जिसमें हम सबको जीना चाहिए, वो है अंदर की एक हैप्पीनेस, के खुशी होनी चाहिए। जो हम कार्य कर रहे हैं पूरा उसमें ध्यान फोकस हो, अटेंशन हो, हमारे थॉट्स इधर उधर ना जाएं, ओवर थिंकिंग ना हो, हम एंग्शियस ना फील करें, हम उदास ना फील करें, हमारे मन और विचार और हमारे जो अंदर भावनाएं आ रही हैं सब संतुलित हो, इसको हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। बिल्कुल जी, मानसिक सेहत ही असली सेहत हुंदी है। मानसिक सेहत दे नाल ही असीं फिजिकली सैट रह सकते हैं, मानसिक सेहत दे नाल असीं सोशल सैट रह सकते हैं, ते मानसिक सेहत दे नाल ही असीं फाइनैंशली सैट रह सकते हैं। जदों मानसिक सेहत बिगड़ती है तो साडा सारा आला दुआला बिगड़ जाता है। डॉक्टर पल्लवी जी, मैं एक गल होर तुहाडे नाल सांझी करनी चाहांगा कि अज यूथ दे विच, नौजवानों दे विच बहुत ज़्यादा डिप्रैशन, बहुत ज़्यादा तनाव, उहदे करके नशे भी आ, उहनां विच गुस्सा, खिज, चिड़चिड़ापन। तो मैं तुहाडे नाल जिहड़ी गल अज शुरू करन लग्या कि जो चंडीगढ़ दे विच यूनिवर्सिटी दे विच वापरी है मंदभागी घटना, इस नूं तुसीं एज ए साइकोलॉजिस्ट किस तरह लै रहे हो? बहुत ही दुख लगा मुझे पढ़कर न्यूज़पेपर में कि ऐसी घटना घटी है हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे नौजवानों की क्या क्या समस्याएं हैं, ये पढ़कर बहुत दुख लगता है क्योंकि नौजवान ही हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। ये पढ़ के देखो बहुत सारे विचार मेरे मन में आए, और वो ये है कि मुझे लगता है कि हमारे नौजवान पीयर प्रेशर में बहुत हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जो एक हवा चलती है, एक रुख चलता है, एक जैसे एक बिहेवियर एक चल पड़ता है, तो वो लोग बिना सोचे समझे उसको उसके पीछे चलते रहते हैं। तो आजकल जो है ये वीडियोस बनाना अपनी और इनको अपलोड करना सोशल मीडिया पे, ये इतना ज़्यादा कॉमन है, लोग सोचते नहीं हैं कि हम कौन सी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बट और सोशल मीडिया जो है उसी से हमें अपना कॉन्फिडेंस मिलता है, उसी से हमें अपनी वैलिडेशन मिलती है, हमें अपनी पहचान मिलती है, जो कि बहुत गलत है क्योंकि हमें अपनी पहचान स्वयं बनानी चाहिए, खुद बनानी चाहिए, और इतने सारे अचीवमेंट्स हम कर सकते हैं, इतने अच्छे कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जो हो रहा है और जो बच्चों के दिमाग पे प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया का, ये ऑफ कोर्स इसमें से एक उभर के आ रहा है कि किस तरह जो है हमारा यूथ जो है प्रभावित हो रहा है सोशल मीडिया से। डॉक्टर पल्लवी, मैं तुहाडे कोल आ रहा जी, डॉक्टर अमर जी भी साडे नाल हन। डॉक्टर साहब, तुसीं इस घटना नूं किवें देखदे हो? देखो, सोशल मीडिया ते जो है या जिन्हों असीं कहने के जिन्हें भी ऐप्स हैगे ने सारे, है ना, ये तो सही तरीके वरते जाते हैं तो ये बहुत वधिया प्लेटफॉर्म हैगा, लेकिन हुण असीं की कर रहे हैं, असीं जिहड़ा ये सोशल मीडिया हैगा ना, इहदा एक दलदल बना रहे हैं, इदां दीआं जिहड़ियां घटनावां ये दलदल बना रही ने, इहदे विच यूथ जिहड़ा आ जे उह फस जाएगा तो ग्रो नहीं कर सकता, अगे नहीं जा सकता, असीं जिन्नी मर्जी कोशिश कर लीए। सो ये जिहड़े साडी यूथ आ उहनूं समझना चाहीदा आ कि असीं इह सोशल मीडिया नूं किद्दां जिम्मेदारी दे नाल यूज़ करना है, जिम्मेदारी दे नाल इहदी वरतों करनी है। जदों तक इहनां बच्चों की समझ ये नहीं आएगा उदों तक जिहड़ियां इदां दीआं घटनावां ने, ये देखो जिन्ना चंडीगढ़ जो होया
चंडीगढ़ दे विच उस यूनिवर्सिटी का नाम जिहड़ा वह भी खराब होया, जिहड़े बच्चे जिहड़े जिहड़ियां विद्यार्थियों दे नाल ये हरकत हुई है उन्हां दी जिहड़ी मानसिक स्थिति है वह कितनी डिस्टर्ब होगी, उन्हां दीआं फैमिलीज़ कितनियां डरियां हुई होणगियां, उस चीज़ नूं जिहड़ा कवर अप करन दे लई उन्हां नूं बहुत 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 ज़्यादा जिहड़े एफर्ट्स करने पैणे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। डॉक्टर पल्लवी जी, जिस तरह की घटना वापरी है, एक पोर्नोग्राफी जिहड़ी हैगी आ बनाई जाती है तो उन्हें अपलोड किया जाता है, पोर्नोग्राफी के पिछे कि साइकी काम करती है, मैं इस बारे जानना चाहूँगा। देखिए, बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है और इसमें क्या है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं जैसे बच्चे हैं और जो लड़कियां अननोन तरीके से जो जिनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, सो दीज आर ऑल वल्नरेबल पॉपुलेशंस और इनके साथ ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है पोर्नोग्राफी का, ये बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, इससे और एक्सप्लॉयटेशन होने की संभावना है। तो जो हमारे वॉच डॉग्स हैं जैसे नेशनल काउंसिल फॉर विमेन है और हर स्टेट में विमेंस काउंसिल है, तो ये इनको ज़्यादा मुझे लगता है कि थोड़ा इनको लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि इसको बहुत सीरियस क्राइम की तरह इसको ट्रीट किया जाए। बच्चों के लेवल पे अगर हम आएंगे तो इनको प्रॉपर तरीके से सेक्स एजुकेशन दी जाए, इनको जो सही गलत है इसकी पहचान कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो है एक पर्टिकुलर एज में आके बच्चों को हर चीज़ के बारे में जो जानकारी मिलती थी वो उम्र के अनुसार मिलती थी। अब मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत जल्दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिल रही है, अपने पीयर्स से मिल रही है, और जो कुछ लोग कुछ बच्चे जो है वो अननोन वे में या जो स्टॉकर्स हैं जो दोस्ती करते हैं बच्चों के साथ और उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो उनसे वो बच्चे शेयर कर लेते हैं, मतलब वो इतने प्रभावित हो जाते हैं अपने अब्यूज़र से, इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपने प्राइवेट फोटोग्राफ्स भी वो शेयर कर लेते हैं, विच इज़ सच अ, ये सोच के भी बहुत डर लगता है एज़ अ पेरेंट कि क्या हो रहा है, और फिर ये इस फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे कुछ केसेस काउंसलिंग के लिए भी मेरे पास आए हुए हैं, जब कि बच्चों को प्रभावित करके और उनकी वो फोटोग्राफ्स उनके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड्स ने उनसे मांगी और उन्होंने लड़कियों ने शेयर कर दी और बाद में उन्हीं फोटोग्राफ्स के साथ उनका ब्लैकमेल हो रहा था। तो ये एक आपने अगर आई डोंट नो न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बट ऐसे ही ब्लैकमेल के दबाव में आकर एक 16 साल की लड़की ने सुसाइड भी करा है जस्ट हफ्ते 10 दिन पहले। तो कहने का मतलब है कि ये हम अपने बच्चों के साथ बातचीत करें, उनको बताएं कि सही गलत क्या है, और बच्चों के साथ वो चैनल्स हमेशा खुले रखें बातचीत करने के कि अगर तुमने कुछ ऐसा कर भी दिया है तो आप तुरंत पेरेंट्स को बताएं, टीचर्स को बताएं, ताकि हम इसको सुधार कर सकें, इसको हम जो भी साइबर लॉज हैं उसके अनुसार हम इसको टैकल कर सकें और सुधार कर सकें। लेकिन जो एक बच्चों के दिमाग में लगता है कि एक डर बैठ जाता है कि हम अपने माँ बाप को ये सब नहीं बता सकते, उसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, जो कि बहुत वरिंग है, बहुत सीरियस है। तो आपने पूछा था इसके पीछे साइकी क्या है, सो डेफिनेटली ये एक सेक्सुअल परवर्जन के अंदर आता है, जो बच्चों की वीडियोस देखना चाहते हैं या इस तरह का जो पोर्नोग्राफी इन इटसेल्फ इज़ आई वुड से इट एक परवर्जन के हिसाब से एक मानसिक रोग है। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं आपको बताऊँ कि कोविड के दौरान, ये जो लॉकडाउन के दौरान, पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रही है और जो एडिक्शंस बच्चों में यूथ में आई हैं, आई विल नॉट से कि सिर्फ यूथ में, आई एम श्योर मिडिल एज और ओल्ड एज, एवरी जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन, हर एज जनरेशन को पॉर्न वीडियोस, पॉर्न फिल्म्स, ये सब देखने की हैबिट पड़ चुकी है। बट हाँ, यूथ पॉपुलेशन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा प्रभावित है, और मैं कहूँगी कि ये अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन के बाद ये पोर्न एडिक्शन भी इक्वली सीरियस है, और ये डेफिनेटली बच्चों के या जो भी एडिक्ट है उसके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत इसका प्रभाव गलत नेगेटिव पड़ता है, और ये एक सीरियस मैटर है। आई वुड से कि बहुत स्ट्रिक्ट पोर्न कंटेंट के लिए, पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट है इंटरनेट पर इजली अवेलेबल है,
उसके लिए भी कोई लॉज बनने चाहिए, डेफिनेटली बनने चाहिए। बहुत सीरियस मामला है। बिल्कुल जी, बहुत गंभीर मसला है। डॉक्टर पलवी जी ने जिस तरह दसिया कि नशे की तरह ही है, पर नशे की गल हर जुबान के उत्ते हो रही है। पोर्नोग्राफी करके जिहड़ियां प्रॉब्लम्स बच्चों च आ रही हैं, मानसिक समस्यावां आ रही, उन्हां च गुस्सा, खेज, चिड़चापन। और डॉक्टर साहब, मैं देख रहा सा कि बहुत सारे केस इहोजे भी आउंदे आ कि एक बारी अपनी कोई फोटो शेयर कर ली तां मैरिज तक ब्लैकमेलिंग, कि लड़की नूं कई बारी पता भी लग जांदा कि भी लड़का मेरे काबल नहीं है, लड़का ड्रगी है, यह लड़का गुस्सा करता, जां इहदे च बहुत सारा क्राइम है। इस दे बावजूद वह लड़की है उस क्रिमिनल व्यक्ति दे नाल विआह कराउण दी जिद करदी है सिर्फ ब्लैकमेलिंग करके। मैं इस संबंधी डॉक्टर अमर जी नाल भी गल करनी चाहांगा। डॉक्टर साहब, जो ब्लैकमेलिंग हुंदी है खास करके लड़कियां दी, उस नूं आपां किवें देखदे हां? सर, बहुत सारे लड़कियां या मैं लड़कियां दी नहीं गल करूँगा, लड़कियां दी भी गल करूँगा, जिहड़े बच्चे ने ये की करते हैं कि अपनी एक चॉइस कर लैंदे आ किसी चीज़ के लिए, फिर जे वो चॉइस या वो सिलैक्शन गलत हो जाती है फिर बच्चा पछताउंदा जरूर है, पर देर हो चुकी होंदी है, उहदे दिमाग च एक डर बैठ जाता कि मैं जे पेरेंट्स नूं दसांगा तो की होएगा, मेरी माँ या मेरा प्यो गुस्सा करेगा या मेरी फैमिली वो सोसाइटी मूँह दिखाने के काबल नहीं रहेगी। मैं उन्होंने बच्चों को ये कहना चाहना कि इस तरह का कुछ नहीं होंदा जे तुसी हिम्मत रखो। तो जिहड़ी अजकल जो साइबर लॉज चल रहे हैं उहदे विच वो इत्थे तक कर सकते हैं कि मतलब जो क्रिमिनल्स ने दस देते हैं कि वो इस फ्लोर से इस बिल्डिंग दे विच बैठा होया। ये जे कोई पॉन मूवी या किसी का कोई गलत इदा का मैसेज बनता या कोई फोटो बनती है तो जी तुसी डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के नाल बेटा गल करो, पेरेंट्स नूं दसो, पेरेंट्स तुहाड़ी गलती जिहड़ी आ होने के बावजूद तुहाड़ी सपोर्ट करनगे। उसके बाद तुसी एक डेफिनेट जिहड़ा पुलिस चैनल हैगा साइबर क्राइम सैल हर जगह पर बने हुए हैं, तुसी साइबर क्राइम सैल वालों नूं अपनी जिहड़ी आ प्रॉब्लम दसो, वो डेफिनेटली तुहाडी हैल्प करनगे। और ये सारे कुछ नूं असीं रोक सकते हैं, पर यह है कि पहला स्टैप बच्चे तुहानू आप नू चुकना पेगा, सोसाइटी तुहाडे नाल होएगी, तुहाडे पेरेंट्स तुहाडे नाल होंगे, जिदा बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैगे ने वो तुहाडे नाल जरूर होंगे। इस चीज़ तो बिल्कुल नहीं घबराना, गलतियां सब तो होंदियां ने, जरूरी नहीं कि गलती दे नाल असीं डर जाइए या असीं सुसाइड जिहड़ा है ये तो डेफिनेटली ये कोई भी जिहड़ा है ये सोल्यूशन नहीं हैगा किसी प्रॉब्लम का। कोई प्रॉब्लम आती है उसनू फेस करो। बहुत वधिया डॉक्टर अमर जी ने सुझाव दिता है कि जदों भी इहो जी कोई प्रॉब्लम आउंदी है कितें लगता कि तुहाडे नाल धोखा हो रहा, कोई तुहानू मिसयूज़ कर रहा ते तुहाडियां भावनावां नाल खिलवाड़ कर रहा, तां तुसीं तुरंत अपने पेरेंट्स नाल गल करो, अपने पुलिस अधिकारियों नाल गल करो, जां तुसीं अपने नेड़े दे साइकोलॉजिस्ट दे नाल भी गलबात कर सकते हो। मनोविज्ञानी तुहानू बहुत वधिया सलाह दे सकदे आ। डॉक्टर पलवी जी, सुसाइड बिहेवियर बहुत ज़्यादा यूथ दे विच वध चुकिया, इस बारे भी तुसीं चानण पाओ जी। आई थिंक हर सेकंड या हर दो या तीन सेकंड में एक सुसाइड कहीं ना कहीं विश्व में हो रहा है। सुसाइड बहुत बहुत एक वरिंग ट्रेंड है। और मैं ये कहूँगी कि सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आपस में परिवार जो है बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे जो है वो अपने माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण डर है और ये सोचना कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर हम बच्चों को एक छोटी उम्र से ही ये सिखाना शुरू करें कि जो मर्ज़ी हो आप बात कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ बात कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। और पेरेंट्स के लिए और बाकी मेंबर्स के लिए ये मैसेज है कि जो भी आपका फैमिली मेंबर है, जो उदास लग रहा है, जो डिप्रेशन का मरीज़ लग रहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करने में इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमारे सोसाइटी में आज तक मेंटल हेल्थ को एक बहुत अगर हम काउंसलर के पास जा रहे हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो इसको एक शर्मनाक किस्सा माना जाता है अपनी ज़िंदगी का कि अच्छा हम मतलब एक और एक बहुत गलत नोशन है लोगों में कि उनको लगता है क्या हम पागल हैं।
तो ये बहुत गलत नोशन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एजुकेट करना चाहूँगी कि हर कोई इंसान, हर किसी इंसान को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में काउंसलिंग की या एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसमें ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे शरीर में और अंगों में तकलीफ़ होती है और आप तुरंत डॉक्टर के पास बेझिझक आप जाते हैं, दवाई खाते हैं, उसी तरीके से डिप्रेशन, एंग्जाइटी या और मानसिक जो बीमारियां हैं, इनमें काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल हेल्प या साइकियाट्रिक हेल्प लेने में इसमें कोई हेजिटेशन, कोई दिमाग में संकोच नहीं होना चाहिए। तुरंत हेल्प लेनी चाहिए और इससे बहुत सारी जो है लोगों के जीवन सुधार हो सकते हैं, बच सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इन सब में साइकोलॉजिकल हेल्प ईज़िली अवेलेबल मिलनी चाहिए, ईज़िली कॉन्फिडेंशियल और ऑनलाइन और सीक्रेट हेल्प की। बच्चा अपना नाम भी नहीं बताना चाहता है लेकिन ऑनलाइन हेल्प ले ले कि मैं एक्स वाई जेड है, मेरा नाम नहीं बताने की ज़रूरत है लेकिन मैं इस सिचुएशन में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियल और सेफ और अच्छी क्वालिटी का प्रोफेशनल हेल्प हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में मैंडेटरी, कंपलसरी होना चाहिए। बहुत वधिया सुझाव दिता है डॉक्टर पलवी जी ने कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे विच, वो सरकारी है, प्राइवेट है, एक साइकोलॉजिस्ट जरूर होना चाहिए। तो जिथे बच्चे खास करके यूथ है, टीनएजर है, वो अपनी गल बेझिझक हो के सांझी कर सकन। जे कितने लगता है बच्चों को कि असी गल नहीं सांझी करनी फेस टू फेस हो के, तो वो रिटन जां नैट दे राही भी अपनी गल शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर अमर जी, तुसी की कहना चाहोगे कि समाज दे विच जिहड़ा ये सुसाइडल बिहेवियर है, जो पोर्नोग्राफी हैगी है, इसनू कंट्रोल करन वास्ते सरकार की भूमिका निभावे? देखो, सरकार एक तो जिहड़े लॉज हैगे इन्हां नू स्ट्रिक्ट करे, ठीक है। जिहड़े पोर्न जिन्नियां भी साइट्स ने, जे उन्हां नू ब्लॉक नहीं कर सकते, एटलीस्ट ये कर दें कि 21 ईयर्स तो ज़्यादा वाला ही उन्हें असैस कर सकता हो, एक चीज़ है। क्योंकि बच्चे जड़े ने उन्होंने समझ नहीं होंगी, उन्होंने इन चीज़ों की जी गलत इंटरप्रिटेशन करनी स्वाभाविक हैगी है। दूसरा की है कि असी अपनी सोसाइटी नू ग्रो ही इस तरीके नाल करिए कि सानू इन चीज़ों देखने की लोड़ ही ना पवे। सैक्स एजुकेशन वाल ध्यान दे सकते हैं असी, ठीक है जी। उस तो अलावा असी जिदा मैम ने बहुत वधिया सुझाव दिता कि हर एक स्कूल दे विच, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी दे विच एक स्टाफ होवे जिहड़ा बच्चों की जिहड़ी काउंसलिंग है वह कर सकता होवे। उस तो बाद फिर साड़ी भी ड्यूटी बनती, जिदा हुण साड़ी फैमिली है, फैमिली दे विच बच्चे दे नाल तुहाडा घर दे विच माहौल ही इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा तुहाडे तो कुछ लुको ही ना। हुण देखो जिवें बेटी है जिसने भी वह अपनी वीडियो बनाई या जिदे भी उन्हें वीडियोज़ बनाइया, मैं ये सोच रहा कि देखो उस बच्चे ने किस प्रैशर च आके ये काम किया होगा। दूसरा हुण उन्हें जो कर दिता उसकी फैमिली की फेस कर रही होगी, उसकी फैमिली के लिए सिर चुक के जीना समाज के बहुत औखा। पहला ये जड़िया चीज़ा होनिया सगिया ये बहुत रेयर होनिया सी, हुण बच्चे जिहड़े मोबाइल फोन की जिहड़ी गलत वरतों करते हैं, दुरवरतों मैं इस चीज़ को कहूँगा, अपनी वीडियो बनाना या किसी की वीडियो बनाना, ये बहुत जी गैर जिम्मेवाराना गल है और ये उस बच्चे को नहीं सी करनी चाहिए। फिलहाल गवर्नमेंट जी है एक तो ये कर रही है कि जोड़ा ये जो भी वीडियो सी उन्होंने इनू अपने साइबर क्राइम वाले ने उन्होंने ब्लॉक किया चैनल, तो ट्रेस कर रहे कितने कितने गया या किदा किदा है। आई होप कि गवर्नमेंट जी इस चीज़ का जोड़ा वो पूरा फॉलोअप लै रही है। सैकेंडली जी जिदा हम असी दसिया कि मैडम ने उन्हें कहा कि जी इस चीज़ न इस उत्ते जोड़ा स्ट्रिक एक्शन लैन की लड़ हैगी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट जोड़े ने वो अपॉइंट होने चाहिए। डॉक्टर पलवी, बच्चे बहुत डरे हुए हैं, खास करके बेटियाँ बहुत डरिया हुई हैं, वो महसूस कर दी हैं कि असी घर के बाथरूम तो लैके कितने भी सानू जाना पैंदा वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम के विच ते डर लग रहा है, उन्हां बच्चियां नू तुसी की सुनेहा देना चाहोगे? मैं ये कहूँगी कि इनसिक्योरिटी और डर ये
आते हैं और ऐसे सिचुएशंस जब हों जब हमें पता ही नहीं कहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कौन कहाँ से वीडियो ले रहा है, तो एक ये डर का माहौल पैदा हुआ है और इससे एक सीखने को मिला है। तो ऑब्वियसली ये यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, डीबगिंग हो और प्रॉपर चेक हो और ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, और कुछ ऐसे कुछ लॉज ऐसे बन सकते हैं कि जब हम वॉशरूम्स वगैरह में जा रहे हैं तो किसी के पास मोबाइल फ़ोन ना हो, स्पेशली जो ये कॉमन वॉशरूम्स हैं जैसे हॉस्टल्स में हैं। तो इस तरह के कुछ हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बाकी जो है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये तो हम सबको खुद ही आना चाहिए। जो एक आप ये आपने सही बोला कि एक इनसिक्योरिटी, एक डर बैठ जाता है, तो डेफिनेटली अब मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी बहुत प्रिकॉशंस ले रही है, बहुत आश्वासन दे रही है पेरेंट्स को कि हम इसके लिए बहुत कड़ी एक्शन लेंगे, जांच करेंगे और ऐसा किस्सा दोबारा नहीं होगा। तो ये अपने जीवन से डर निकालें, क्योंकि देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि जो मानसिक रोग है वो डर और ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटीज़ हैं, इन सब से ही बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और पॉजिटिव भी अपना माइंडसेट रखें कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। और अभी अगर आई थिंक जितना मैंने देखा है कि सिर्फ उस लड़की ने अपनी वीडियोस बनाई हैं, उसने किसी और की नहीं बनाई है, सो देन दे शुड रिलैक्स होके रहें कि नहीं सब कुछ ठीक है। और बट ये जो हम कर रहे हैं कि अपनी भी अगर हम वीडियोस बना के और किसी को भेज रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ट्रेंड भी बहुत एक वरिंग ट्रेंड है और ये हमारी बच्चियों को ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब वो सिचुएशन बदल जाए और कब जो है आज जो है हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसको हम वीडियोस और फोटोज़ भेज रहे हैं, कल कुछ हो जाए और फिर यही हमारे खिलाफ़ हो जाए। तो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, हमें थोड़ा सा खुद ही समझदारी के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल जी, तो डॉक्टर पल्लवी खन्ना जी ने बहुत वधिया सुझाव दिते है। असी देसी झरोखा वालों तमाम विद्यार्थियों यूथ नू सुनेहा देना चाहांगे कि इस घटना के बहुता वरी होने की लोड़ नहीं है, ये उस तरह ही है जिस तरह साडे समाज दे विच रोजाना एक्सीडेंट होंदे आ, तां ये नहीं है कि असी एक्सीडेंट तो डर के असी रोड दे उपर चलना बंद कर दिंदे आ। सानू सुचेत होने की लोड़ है, सानू समझन की लोड़ है, सानू ये भी देखने की लोड़ है कि मैं यूथ नू खास करके कहांगा कि तुहाडे आले दुआले किते भी कोई तुहानू एहो जा नौजवान कोई मुटियार लगती है जिहड़ी पोर्नोग्राफी की गल करती है, वीडियो बनाउण की गल करती है, तो तुरंत तुसीं मनोविज्ञानियां दे नाल गल करो, अपने कॉलेज दे स्टाफ नाल गल करो, अपने नेड़े दे पुलिस अधिकारी नाल गल करो, ताकि उसका जिहड़ा ट्रीटमेंट करवाया जा सके, उहदी जिहड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसनू समझिया जाए। नाल मैं ये भी बेनती करनी चाहांगा कि जे तुहानू किते लगता है तो वह रोला पाने की थान पर तुम माहरां दे नाल गल करो, ना कि उस जिहड़ा बच्चा पीड़ित है इस प्रॉब्लम तो उहदा तुम खिलारा पा के रख दो। ये बहुत सेंसिटिव इशू हुंदा, बहुत समस्या हुंदी है, जिस तरह डॉक्टर अमर जी ने कहा कि वह बच्ची ने तो जो किया ही है, नाल पेरेंट्स किस तरह फेस कर रहे हैं, पेरेंट्स नूं ये गल्लां समझन की लोड़ है, तो अगे इन्हां मानसिक समस्यावां दे उपर सानू होर बहुत काम करन की लोड़ है, मनोविज्ञान ते काम करन की लोड़ है, ताकि साडे बच्चे नशे दे आदि ना होण, साडे बच्चियां नूं गुस्सा आखे, जे चिड़चिड़ापन ना आवे, साडे बच्चे इहो जिहियां हरकतां ना करन जिन्हां दे नाल उहनां नूं उम्र भर दा हरजाना भुगतना पवे। तो इस दे नाल ही मैं डॉक्टर पल्लवी जी दा ते नाल डॉक्टर अमर जी दा देसी झरोखा वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा। दर्शकों नूं भी बेनती है कि तुहाडे मन च कोई सुझाव होवे तां तुसीं साडे नाल शेयर कर सकदे हो, असीं हमेशा तुहाडे नाल चंगे विद्वान लै के उहनां नाल गल्लबात करदे रहांगे, राबता कायम रखांगे तुहाडे नाल। बहुत बहुत धन्यवाद।